गुड आफ्टरनून क्लास। इन प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर बेस्ड कंसेप्ट। अब हम लोग आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और पहले हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग सीखा वो स्ट्रक्चर बेस्ड था, अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम लोग को तीन चीज़ों का क्लियर होना बहुत आवश्यक है, तीन नहीं चार चीज़ें होनी चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो इसमें पहला आता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ओके क्लास, तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए आपको तीन चीज मैंने बताया। फर्स्ट क्या होना चाहिए आपके पास, इनकैप्सुलेशंस का कंसेप्ट होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, फिर देन हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग के पास आएगा इनकैप्सुलेशन और देन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, ओके क्लास। और फिर थर्ड है हम लोगों का इनहेरिटेंस। एंड लास्ट हम लोगों का क्लास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, देखिए महत्वपूर्ण और विचार करने वाला प्रश्न है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोडिंग इसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और इसी के परिदृश्य में देखते हुए हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं। जैसे जब ऑब्जेक्ट क्लास है, अगर कोई क्लास है तो आप कह सकते हैं कि क्लास क्या आपका, दिस इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द क्लास। क्या है क्लास, हमने पीट्स बनाया ओपनिंग ब्रेसेस दिए, तो इस क्लास पीट्स का एक ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम सारे क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में जब आप क्लास बनाते हैं या आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको न्यू की जरूरत नहीं है। जैसे जावा में क्या था, हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू ऑपरेटर की जरूरत पड़ती थी ना, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में आप क्या कर सकते हैं, आसानी से खुद स्वयं आप बना सकते हैं और देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आपको उस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि आप अच्छे से उन चीज़ों को कर सकें। क्लियर है क्लास। अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं, जरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ा क्लास के डिफिनेशंस भी जानेंगे ताकि हम लोग बेहतर तरीके से और समझ सकें। ओके, देखिए पहले क्या है क्लास, क्या मैंने कहा था आपको, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन दैट मैनिपुलेट द डेटा। क्लास को बिल्ड करते हैं और क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्लास, क्लास का नेम, एक्सेस स्पेसिफायर्स के सिंटेक्स हैं कि क्लास को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्लास को आप तब तक नहीं डिफाइन कर सकते हैं जब तक कि आप एक्सेस कंट्रोल नहीं यूज कर लें। एक्सेस कंट्रोल कौन कौन सा हमारा होता है, पहला होता है प्राइवेट,
प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक, तीसरे होते हैं प्रोटेक्टेड। प्राइवेट क्या होता है, यदि इफ द डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड एज ए प्राइवेट एक्सेस देन दे कैन नॉट बी एक्सेस। अगर हम किसी भी मेंबर डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका तात्पर्य अर्थात इसका कहने का मीनिंग ये कि आप सिर्फ उसी क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास से बाहर जाकर डेटा का एक्सेसिंग नहीं हो सकता। कब? जब आप उस मेंबर डेटा को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, प्राइवेट। और पब्लिक में क्या है, आप डिक्लेयर कहीं किए, इफ द डाटा मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड अ पब्लिक एक्सेस देन दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अदर फंक्शन टू अदर। यानी उसके लिए कहीं पे संगत नहीं है कि वो यहाँ पे डिफाइन हो सकता है और नहीं हो सकता है। पब्लिक कहीं पे आप यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड क्या है, द एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड डिक्लेरेशन लाइज बिटवीन, ये पब्लिक और प्राइवेट के बीच में डिफाइन करने वाली कड़ी है। और जो ये बताता है कि जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यूज करने के लिए प्रोटेक्टेड का होना लाजमी है, जरूरी है। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक क्लास बनाया, आप इससे प्रयास करेंगे, वी विल ट्राई, एक एग्जांपल के माध्यम से कोडिंग को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर कैसे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं जावा में और किस तरह से हम लोग इसको बना के कॉल करके किस तरह से यूज कर पाएंगे ना। ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जब आप प्राइवेट बनाते हैं पब्लिक बनाते हैं तो एक चीज और भी होता है, आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बना लिए और आप उसको कॉल कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे हम लोग एडिटर पे चलते हैं फर्स्ट, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिकली, अगर आप प्रैक्टिकल्स नहीं समझेंगे तो थ्योरेटिकली संभव नहीं है कि चीजों को आप समझ पाए। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे हैश इंक्लूड, याद रखिएगा बहुत ही केस सेंसिटिव है इसलिए स्मॉल में लिखेंगे, इंक्लूड आयो स्ट्रीम इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ओके बिकॉज क्लियर है यूजिंग यस डू यू वांट टू से समथिंग आयो स्ट्रीम क्लास पिट्स, नहीं सी प्लस प्लस में ये सारी बातें नहीं, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। अब उसे मेथड डिक्लेयर करने से पहले आप यहाँ पे भी जाके बना सकते हैं, वहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, void fact, ठीक है, void net कर देते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम बना बताते हैं, ओके int num is equal to 2, तो फिर या आपको कोई डिफाइन मिल लीजिए या इसे भी यूजर डिफाइन कर लीजिए, सी आउट इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, यस या नो क्लास इंटर एनी नंबर, सीन है या नहीं। फिर अब यहां पे लूप चला दी, फॉर नम इक्वल टू नम, नम लेस देन less than equal to 100 num
plus plus. Yes, yeah, no. Yes, C out. C out. Slash n. Slash t कर दीजिए, एक horizontal form में देखिए, and then ना. ये हो गया नेट का, कोई दिक्कत विकास? अब क्या है, फिर यही मेथड रहेगा, सेम एक मेथड, और हम चेंज कर देते हैं. एक दो इसका मेथड्स बंद कर दीजिए और void email. ठीक है, EO, EO, into any number, num is equal to 2, चूंकि initialization तो चाहे odd हो या even एक ही होता है, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, अच्छा num is equal to num ही रहने देंगे, ये कुछ भी नंबर दे दे, क्योंकि उसको उसके ऊपर निर्भर है ना, हमें नम इज इक्वल टू इंक्रीमेंट कर देंगे, नम इज इक्वल टू नम प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 80 आउट नम. कोई दिक्कत विकास? ये हो गया, फिर इसका भी बंद हो गया, याद रखिएगा दोनों बंद हो गया, पहले फॉर लूप का हुआ फिर वाइड का हुआ, उधर भी देखिए ऊपर बंद हो गया. अब क्या है, एक क्लास जो आप बनाएंगे ना यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे आपको जो इस क्लास के इसके बाद सेमी कॉलन देना होता है, याद रखिएगा एक चीजें हैं, और फिर यहाँ से आपको हाँ बिल्कुल एक कन्फर्म है आपको देना ही पड़ेगा क्लास के बाद. अब क्या कीजिए, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इंट मेन कहाँ कहीं बना सकते हैं. और क्लास का नाम क्या है, पेट्स P1 P1 डॉट आ गया यहाँ पे, ये ले ली पहले किसका नया नेट का है ना, पहले नेट्स लेते हैं, फिर देन क्या है P1 डॉट यू यू का भी ले ली. तो न्यू कीवर्ड होता है वो नहीं लगा, नहीं क्लास हाउस के बीच स्पेस दे देते हैं, बस काम हो जाता है. देखते हैं कुछ एरर देना चाहिए, ब्रैकेट काम को लग भी रहा था. तो इसका तो ये बंद है, ये यहाँ पे होगा, इसे एक सेकेंड आप पहले वाइड का ये बंद हो गया, एक दो पहले तो एक ब्रैकेट यहाँ पे कर दीजिए, अब नहीं इससे क्या होगा, मेंबर डेटा को एक्सेस करने में आसान होगा. हाँ पब्लिकली हम सभी क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए ना. अब देखिए F10 की इंटर एनी नंबर हमने दिया कितना, 1 हमारा दिया, फिर हमने दिया 2 हमारा ऑड इवन का निकाल दिया, है कि नहीं. अब चूंकि आउटपुट देखना है हमें कि सही आउटपुट है कि नहीं, क्या करेंगे, इंटर एनी नंबर है ना, स्लैश एन, स्लैश एन कर दीजिए और फिर यहाँ पे भी स्लैश एन, स्लैश एन, कोई दिक्कत?
हमने दिया वन, वो किस नंबर का आगे और इसको दिए, अगर जैसा इनपुट देंगे और वन देंगे तो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर, देखिए ऑड नंबर दिया कि नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, समझ में आ गया कि नहीं कैसे क्लास ऑब्जेक्ट्स बना रहा है। हाँ इसी सर ले लीजिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चीज़ों को आप एनालाइज कीजिए। हाँ कोडिंग में करा देते हैं, देखिए और सेंड कर दीजिएगा। ओके ये क्लास समझ में आया, हमने यहाँ पे क्या क्लास पिट्स कर दिया, अब इसे प्राइवेट यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए प्राइवेट डिफाइन करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन प्राइवेट इसके साथ लगा दें, अब प्राइवेट उसके साथ लगा दें तो हो सकता है, देखते हैं। यस या नो क्लास, क्या कि नहीं, अच्छा प्राइवेट यहाँ पे लगा दीजिए, ये चीजें जो है डिफाइन करके आपको देखना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि नहीं, हम इस तरीके से वैल्यूज करेंगे, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो क्या डिफाइन करना होगा आपको, पब्लिक यूज करना होगा, क्लियर है जो चीज़ हम करना चाह रहे थे, विकास समझ में आ गया कि नहीं, यानी कि यहाँ पे हुआ नहीं हुआ ना, तो क्या करना होगा हमें फिर, विकास क्या करना होगा, पब्लिक लगा देंगे, अब जैसे ही एक्सेस स्पेसिफायर हम पब्लिक लगा दें, यस एन हो गया, इंटर एनी नंबर वन, देखिए यहाँ पे फिर टू, इस बार देखिए आ गया कि नहीं, अब उसको छोड़िए जो यहाँ पे समझा रहे हैं उसको समझिए, क्लास कैसे बनाए, ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, समझ में आए किस तरीके से कोडिंग करते हैं, तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कब कॉल करते, इसमें क्या है क्लास के बनाने के बाद सेमी कॉलन जरूर देना पड़ता है लास्ट में इस क्लास का, और यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी, क्लियर है। अब आइए टॉपिक पर आते हैं सब, देखिए वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नेम तो उसने क्या किया कि डेटा टाइप हमने डिफाइन नहीं किया ना, यहाँ पे हम चाहते हैं कि डेटा टाइप दोनों के लिए सेम ले लें यूज करना, जैसे नम हमने यूज किया ना यहाँ पे, हम न्यूज इंट मेल लिखे हैं और डेटा टाइप यहाँ पे नहीं डिफाइन किए हैं इंट नम, हम चाहते हैं कि इसको बाहर यहाँ डिफाइन कर दें पब्लिक के बाद, है ना, प्राइवेट प्राइवेट देखते हैं, प्राइवेट इंट नम, तो अब क्या होगा, प्राइवेट इंट नम, ठीक है कोई दिक्कत, विकास कुमार अब इसको 2 मिनट के लिए कमेंट्स बना दीजिए, ठीक है इसको भी 2 मिनट के लिए कमेंट्स बना, तब देखिए क्या काम करता है, समझ में आ गया। हम क्या किए यहाँ पर डेटा, एक तो डेटा टाइप क्या है आप मेथड के अंदर डेटा टाइप डिफाइन कर दीजिए, और एक क्या है आप बाहर डिफाइन कर दीजिए और उसको यूज कर लीजिए, बातें तो वही हुई ना,
अब चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहाँ बता चुके हैं क्लास कब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, ये क्या है हमारा। यहाँ पहले हम लोग ने लिखा ये क्या है, प्यून क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है फंक्शन है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन को कॉल किए हैं किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन, हियर वी हैव कॉल्ड द फंक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट। अब क्या है, एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द डाटा ऑफ द स्टूडेंट। आप डेटा लीजिए, स्टूडेंट का डेटा अपना डिफाइन कीजिए, और जो भी फंक्शन है गेट डेटा एक फंक्शन बनाइए, एक फिर उसका पुट डाटा एक फंक्शन बनाइए, मेन बनाइए, फिर सबको कॉल करा लीजिए। तो क्या होगा, सबका आउटपुट आएगा और क्या आएगा, है ना। जैसे देखिए सेम प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम में नहीं एक प्रोग्राम ले ही लेते हैं। क्या क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन बोलिए। राइट अ प्रोग्राम वेब इन सी प्लस प्लस, वेब वेब इन सी प्लस प्लस टू रीड, वेब इन सी प्लस प्लस टू रीड डाटा, टू रीड डाटा ऑफ वेब इन सी प्लस प्लस टू रीड डाटा ऑफ ए स्टूडेंट, वेब इन सी प्लस प्लस टू रीड डाटा ऑफ ए स्टूडेंट, यस या नो। फिर हैज यस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट प्राइवेट प्राइवेट इंट रोल इंट इंट रोल कैर नेम। ओके क्लास, अब यहाँ पे हम लोगों ने मेथड बना लिया, ये तो रहा प्राइवेट का। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पब्लिक पब्लिक वॉइड गेट डाटा पब्लिक वॉइड गेट डाटा यहाँ पे हम लोग इनपुट करा देंगे, सी आउट इंटर रोल नंबर यस या नो, करा सकते हैं कि नहीं, इंटर रोल नंबर। फिर सीन रोल, ठीक है, गेट डेटा हुआ तो नेम भी तो कराएंगे ना विकास, सी आउट इंटर इंटर एनी इंटर इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा, वॉइड गेट डेटा होगा। अब क्या है, सीन और फिर क्या हो जाएगा, नेम, यस या नो।
क्लास हो जाएंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स ये हो जाएंगे, लेकिन चीजों को हम लोग समझेंगे ध्यान से जरा कि आखिर ये कैसे होगा। मैं थोड़ा फॉन्ट्स कम कर देते हैं कि ताकि आपको दिख सके सही से। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने किया तो गेट डेटा का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, वॉइड, फिर यानी वॉइड गेट डेटा में हो गया। अब वॉइड पुट डाटा यानी डिस्प्ले क्या कराएंगे हम लोग, डिस्प्ले कराएंगे। वॉइड डिस्प्ले डिस्प्ले, कोई दिक्कत विकास कुमार? फिर ओपनिंग ब्रेसेस, यहां पे क्या कर देंगे, सी आउट स्टूडेंट विकास, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर एंड देन यस या नो, सी आउट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट नेम नेम ओके, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसका किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले तो इस दोनों का ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर हम यहाँ पे देखते हैं क्लास का भी आ गया, तो यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद भी कोई ब्रैकेट है नहीं, अब क्या करेंगे, इंट मेन है ना विकास, फिर ओपनिंग ब्रैसेस क्या लिख देंगे, क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट स्टूडेंट स्पेस एस वन डॉट, पहले गेट डेटा करा दे रहे हैं, फंक्शन आ गया, कोई दिक्कत? फिर एस वन डॉट क्या जाएगा, डिस्प्ले डेटा। अब क्या है, इसको सेव करके कंपाइल करा देते हैं। क्लास कोई दिक्कत कि नहीं, क्यों यहाँ तक आए, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक क्लास का सब प्लान। अब एफ्टीन हमने रोल नंबर दिया 101, नेम दिया विकास, नेम दे दिए विकास कुमार, और डिस्प्ले कर दिया कि नहीं, समझ में आया कैसे हो? अब अलग अलग आप देखना चाहते हैं, स्टूडेंट ने मैं पूरा विकास दिखा चुके हैं, हम एक स्पेस ले चुके हैं, देखिए सही से आप देखना चाहते हैं, इसके लिए स्लैश एन इधर भी डिफाइन करना होगा, स्लैश एन डिफाइन करना होगा, या एक साइड डिस्प्ले कीजिए, यस या नो, समझ में आया कि नहीं? वन जीरो वन नेम ऑफ स्टूडेंट, इतना स्पेस देके हम लोगों को करना चाहिए था, चलिए आ गया ना। अब एक चीज है कि कैर में सिर्फ भी दिखा रहा है, नाम तो ज्यादा होना चाहिए, यस। इसे हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल साइज, वी मस्ट डिफाइन द साइज, कैर नेम इक्वल टू डिफाइन करना होगा 29। अब पूरा नाम आ गया, यस ऑफ कोर्स,
हम डिफाइन ही नहीं करेंगे तो फिर विकास आएगा कैसे, आप ही बताइए कैसे आएगा। एफ नाइन फिर एफ टेन रोल नंबर 101। विकास कुमार चौरसिया, चौधरी जी, चौधरी विकास कुमार आ गया कि नहीं, अभी भी क्या आया विकास आया, अगर हम इस पे सटा एडजस्ट करके लिख दें तो विकास कुमार तक आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी आपने कर लिया। आज ही कुछ सीखा कि नहीं आपने, कब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कब क्लास बनाते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं, आया कि नहीं, किस ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग देखने में बड़ा लगता है लेकिन वास्तविक में बहुत, हाँ इसीलिए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। अगर आप सोचिए अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो एक ही डेटा में हमको अगर 100 प्रोग्राम लिखना है तो बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के संभव है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, डिस्प्ले करा देगा, इम्प्लाई का डाटा डिस्प्ले करा देगा। और आप चाहते हैं कि इसका मार्क्स भी डिस्प्ले करा दे, मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड क्या दिक्कत है, सुन लीजिए ना, एक मेथड बना देते हैं void marks, void marks opening braces c out slash n enter marks of 5 subject, marks of 5 subject, yes या no, because हो जाएगा कि नहीं, एक हम ये करा सकते हैं। अब यहां से लिखिए एक स्टेटमेंट, सेमी कॉलन करेंगे, सी आउट इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब इनपुट भी तो कराएंगे ना, क्या सी इन पी एच वाई, यस या नो, फिर सी आउट इंटर द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, ची इंटर द मार्क्स ऑफ, हम ले लेंगे भाई, बोला आप घबरा खिला रहे, कोई घबरा, पहले यहां डिफाइन कर दूंगा, डिफाइन कर मार्क्स ऑफ बायो मार्क्स ऑफ मैथ्स, मैथमेटिक्स मैट, द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, ENG विकास हो गया कि नहीं हो गया। अब इतने सब्जेक्ट का मार्क्स हमने कर लिया, अब क्या है वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, क्या क्या है वेरिएबल जल्दी बोलते जाइए, फ्लॉट में सब मार्क्स दे देते हैं, अगर मार्क्स कोई आएगा सब्जेक्ट में ऐसा भी आपके ऊपर निर्भर। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, आइडेंटिफायर सी की तरह यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसी में दे दीजिए, क्या जरूरत है। रोल नंबर पहला क्या है आपका बताइए, फिजिक्स, फिर CHE, फिर मैट, यही ना,
विकास यही है ना। अब डिस्प्ले डेटा है, तब डिस्प्ले कराने से पहले डिस्प्ले तो सबको कराना होगा, सब ना सब्जेक्ट कराना होगा, तो डिस्प्ले तो करा सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक और मेथड बना लेते हैं ना, बनाएंगे आ इसी में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं, इसमें लिख लीजिए, एक और मेथड बना लिए, वॉइड कैलकुलेट, यस या नो। अब यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए क्या टॉट टॉट इज इक्वल टू फाइव सी एच ई प्लस बायो प्लस मैट प्लस ई विकास यस या नो। ए बी जी टॉट कितना सब्जेक्ट, यस या नो, सो बी मस्ट राइट हियर व्हाट टॉट ए बी जी। विकास कर सकते हैं कि परसेंटेज निकालने का मान है तो परसेंटेज भी निकाल लेंगे, तो पहले देख लेते हैं इतना करके फिर परसेंटेज की बात कर लेंगे। बट डिस्प्ले में तो सब कराना होगा ना विकास, कि नहीं कराना होगा, ऐसे काम हो जाएगा। सी आउट स्लैश एन क्या लिखेंगे, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, मार्क्स ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट, यस या नो विकास। और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी कर, सी प्लस प्लस वास्तव में पुष्कर क्या करते थे, इसमें डिफाइनिंग बहुत, वास्तव में बस डिफाइनिंग ही ज्यादा है, बाकी और कोई दिक्कत का बात ज्यादा नहीं है, अगर एक बार समझ गए तो आसान है करना। बिल्कुल, अभी यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं, विकास समझ में आया कि नहीं, इन्हें मार्क्स ऑफ फिजिक्स, फिर सी एच ई बोलते जाइएगा सब उसमें, फिर उसके बाद कौन है बायो, फिर कौन है मैथ, फिर क्या है बताइए ई एन जी, फिर क्या है टॉट, यहाँ मार्क्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, क्योंकि मार्क्स तो वहां पर देना पड़ेगा ना, यूजर मार्क्स ऑब्टेन कितना किया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मार्क्स ऑफ रुकिए ना, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, टोटल टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, प्रोग्रामिंग दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ क्या बैठेगा सोचना पड़ेगा, ऑब्टेंड टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट, बाय भी लिख लेंगे, अंडरस्टूड है क्या, ऑफ ऑल सब्जेक्ट ये लिख सकते हैं, पूरे सब्जेक्ट में कितना मार्क्स उसने ऑब्टेन किया, यस या नो विकास। सी आउट एवरेज एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स, विकास कैन बी राइट या नॉट राइट, ए बीच। अब परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताइए, तो टोटल
आपको कुछ हो याद नहीं। परसेंटेज, हाँ बोलिए। आप रुकिए ना, टॉट इनटू हंड्रेड बटा में 500, जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन करेगा उसे 100 से गुना हो जाएगा। वही ना हम भी कह रहे हैं, टोटल मार्क्स ऑप्टेन लिखेंगे टॉट टॉट इनटू 100 बाई 500, देख लेंगे क्या एरर आता है कि नहीं आता है। आओ प्रोग्रामिंग किया जिसमें एरर ना आते, इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया है, इसलिए पुष्कर कहते थे कि सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग ये चीज़ें हैं। कब क्या वैल्यू क्या डिफाइन हो जाएगा कोई पता ना ही, इसमें ज़्यादा डिफाइनिंग कम में हो जाएगा। नहीं बात बराबर ही है, परसेंट, हाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, कोई डाउट विकास कुमार? अब कंपाइल कराया जाए, बहुत कोडिंग होगा। अच्छा वो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे, वो बड़ी चीज़ नहीं है, परसेंटेज आउटपुट कुछ ना कुछ देगा ना। हाँ अब बस, तो वो बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले आप देखने दीजिए। अब एक गेट डेटा हो गया, कौन कौन मेथड बनाया है बताइए तो। S1 डॉट कैलकुलेट मार्क्स भी बनाया है, एक एक करके जैसे जैसे डिफाइन करेंगे वैसे वैसे आते जाएगा मार्क्स। पहले गेट डिस्प्ले डेटा सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि नहीं तो पहले डिस्प्ले कर देगा ये, है कि नहीं? पहले कौन सा है बताइए, गेट डाटा फिर मार्क्स, मार्क्स के बाद कैलकुलेट, कैलकुलेट के बाद डिस्प्ले, फिर मार्क्स, मार्क्स के बाद क्या है विकास, मार्क्स के बाद क्या है कैलकुलेट, फिर क्या है डिस्प्ले डॉट। कंपाइल कराया जाए अब, एरर फर्स्ट टाइम, ये भी देखता है, मान लीजिए 101 नेम ऑफ ए स्टूडेंट विकास, इंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, इंटर द मार्क्स, देखो मार्क्स, अच्छा ठीक है, एंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स का मार्क्स मान लीजिए आपने किया 30-45, एंटर द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री इसमें आपने किया 55, मार्क्स ऑफ बायोलॉजी 67, मैथमेटिक्स 70, इंग्लिश में 11 नंबर। देखिए डिस्प्ले हो गया कि नहीं, टोटल मार्क्स ऑफ 10 कितना 248, एवरेज ऑफ मार्क्स अब परसेंट 49% पास हो गए। अब कंडीशन आप चाहते हैं यहाँ पे डिफाइन करना, डिवीजन वॉइड इतना एक ही प्रोग्राम में देख रहे हैं, सॉरी वॉइड ग्रेड या वॉइड डिवीजन, वाइड डिवीजन इफ, ये ना आप इफ इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50, और रुकिए ना सी आउट, सेकेंड डिवीजन
ठीक है, कोई दिक्कत? विकास कुमार, फिर एल सेफ देख रहे हैं कोडिंग कैसे एक साथ कर रहे हैं। एल सेफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 या इक्वल भी तो आता है किसी किसी को मार्क्स, बराबर एग्जैक्टली इक्वल भी लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 क्या आना चाहिए? सी आउट आपको यो नहीं ध्यान है या अभी रुकिए, एल सेफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70% सी आउट फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टेंस यस या नो, एक कंडीशन दे दी। अब उसके बाद क्या है, अब जो भी कुछ है और इसके बाद अगर कोई नंबर्स आता है तो क्या कर दीजिए, एल्स सी आउट। सोचिए सी प्लस प्लस कैसा है, एक बार में सब डिफाइन कर दिए, एक मार्कशीट आप बना लिए, आप फिर बहुत सारा चीज डिफाइन कर सकते हैं, मार्कशीट कैसे बनता है ऐसे फिर, है ना। अब देखिए एल सी आउट फिर अब क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट भी करें हैं। हाँ बिल्कुल, एस वन बताइए क्या आएगा, एस वन डॉट डिवीजन ठीक है कंपाइल, लूप के कारण है, लूप डिफाइन नहीं किए, ओपनिंग ब्रेसेस देगा ही ना। अब देखिए इफ का बंद है, फेल्स खुला, अच्छा इसका बंद नहीं किया, इसका बंद हो गया लगता है, सही होना चाहिए। रोल नंबर 101, नाम विकास, विकास मार्क्स ऑफ 5 से 34 इंग्लिश में विकास को आया 5 नंबर 100 में। अब देखिए तो यहाँ पे सब डिस्प्ले किया और फेल आउटपुट आपका चूंकि ऊपर दिखा दिए तो परसेंटेज क्या है 34 से नीचे क्या हो गया, सब बच गया, सो क्या फेल, आगे पीछे हो गया डिफाइनिंग, बट क्लास आप समझ गए होंगे कि कैसे मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके सो राइट नाउ आज आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम समझा कि किस तरह से प्रोग्राम करेंगे, किस तरह से कंपाइल कराएंगे और किस तरह से इसकी कोडिंग होगी। जस्ट अब एक बार ओवरव्यू बता देते हैं, इसी तरीके से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। राइट अप प्रोग्राम देखिए यहाँ पर सब वही तरीका है, फिर हम लोग इनलाइन फंक्शंस वगैरह होते हैं। आज हम लोग का यूनिट 2 कम्प्लीट हो गया, सब कुछ यही है बस डिफाइन करना, जैसे भी क्लास ऑब्जेक्ट बनाए उसी के बारे में डिफाइन किया हुआ है। देखिए स्टैटिक मेम्बर से जब डिफाइन करते हैं तो राइट अप प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें वही हैं बस फंक्शन, कभी इनलाइन फंक्शन से करेंगे तो क्या होगा, फ्रेंड फंक्शन से करेंगे तो क्या होगा। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना आपको मैंने बता दिया, और आर्गुमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रेंड क्लास क्या होंगे। तो ऑलमोस्ट आज हम लोगों का क्लास यूनिट 2 कम्प्लीट हो गया,
जिसमें वही है प्राइवेट एक्सेस, देखिए जो चीज मैं ऊपर बनाया वही चीज है ना, वही कोई चीज अलग नहीं है, डिफाइनिंग वही है, तरीका वही है, बट प्रोसेस कई कई पर फंक्शंस चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं। तो क्लास आज हम लोगों ने यूनिट 2 भी कंप्लीट कर लिया सी प्लस प्लस का, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाना चाहिए, और आई थिंक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो नंबर ऑफ कोड, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ मेथड्स को ध्यान रखिएगा, तभी जाके आप कर सकते हैं। तो क्लास राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द लेक्चर। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।